देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। मैं महादेवी मैडम इस स्कूल में 2010 में आई थी। उस समय मैंने देखा घटाल में पानी भरा हुआ था, कमरे भी ठीक स्थिति में नहीं थे। विद्यालय में पहले कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज विद्यालय में काफ़ी अच्छी कंप्यूटर लैब है। उस लैब में बच्चे रेगुलर आते हैं, पीरियड वाइज आते हैं, अपने कंप्यूटर क्लास को अटेंड करते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज उनको रेगुलर हो रही है। विलास राजपूत है, मैं यहाँ 2012-13 में यहाँ थर्ड स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया था और 2015-16 में मुझे 8वीं क्लास की बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें मैंने मेरे रैंक अच्छे थे और मेरी परसेंटेज भी, इसलिए मुझे लैपटॉप प्राइज में दी सरकार ने। स्कूल में पहले मिड डे मील जो है, मिड डे मील बनाने के लिए किचन वगैरह ढंग की नहीं थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत सुधर गई है। किचन भी है, बनाने के लिए फैसिलिटीज़ भी हैं, मिड डे मील खाने के लिए बच्चों के लिए बरांडे भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए हैं, एक्स्ट्रा बनाए गए हैं, बच्चे आराम से बैठ के उसमें खाना खाते हैं। इतना अच्छा काम करा है ना कि लगता ही नहीं है कि ये सरकारी स्कूल है। बाहर से कोई भी देखता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कोई कॉलेज टाइप में लगता है। लड़कियों का और लड़कों का सेपरेट बनाया गया है, ये सबसे बड़ी फैसिलिटी मिली है गर्ल्स को। पहले जो है वो एक ही टॉयलेट हुआ करता था, उसी को यूज़ किया करते थे, लेकिन आज टॉयलेट की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जो प्राइवेट स्कूल थे आसपास, उनके बच्चे वहाँ से अपने अपने स्कूल छोड़ करके हमारे स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं और ये कार्य लगातार जारी है। अभी हम 600 के आसपास हैं और आने वाले वर्षों में इसको हम और आगे ले जाएंगे। सर पहले तो ज़्यादा नहीं आते थे और अब तो मैं हर क्लास में फर्स्ट आता हूँ। सर चीटिंग नहीं करते, हम लोग मेहनत से पढ़ते, मेहनत से पेपर देते। वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड।